वो शादी कर रहा था कि उसे को खरीद रहा था? हाँ तो उसके घर वाले भी तो राजी हुए इस चीज के लिए, मैं अपने मर्जी थोड़ी क्यों। हाय गाइस, मैं हूँ आपकी अपनी नौटंकी निशु तिवारी, और कैसे हो आप सब? तो गाइस आज मेरे साथ है मेरी फैन कहूँ या व्यूअर कहूँ, जो मेरी वीडियोस देखती हैं, उर्वशी। तो उर्वशी के काफ़ी टाइम से मुझे मैसेजेस आ रहे थे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक वगैरह पे भी कि हेल्प चाहिए, हेल्प चाहिए। तो मैंने सोचा चलो बात कर लेते हैं एक बार। तो बताइए मोहतरमा, क्या आपकी खातिरदारी हम कर सकते हैं? पहले तो थैंक्स अ लॉट, आपने मेरे को यहाँ पे बुलाया डिस्कस करने के लिए मेरी प्रॉब्लम। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आपकी बहुत सारे मतलब कॉमेडी प्रैंक्स तो मैं ऐसे देखती हूँ ना रिपीट कर करके। थैंक यू। और बताओ क्या हो गया? बाकी सब कुछ ठीक है, बट लाइफ में एक छोटा सा कहेंगे छोटा मोटा ट्रबल आ गया है। क्या हुआ? मेरी शादी हो रही है। तो अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। बट यार वो ऐसे इंसान से हो रही है ना, ही इज वेरी मच ओल्डर देन मी, आई मीन मेरे से डबल एज का है। चलो वो भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, बट मुझे नहीं लग रहा वो। तो कितना बड़ा होगा आपसे, मतलब क्या एज होगी उसकी? 45-50 अराउंड या इतनी होगी? हाँ जी होगी। बट मे बी लोग कहते हैं कि नहीं आजकल की एज में मतलब चलता है, लेकिन मुझे नहीं लगता। कुछ कन्वर्सेशन। तो आप अपनी फैमिली के साथ रहते हो? नहीं, मैं मेरी मासी के पास रहती हूँ। मेरी मतलब मॉम नहीं है, तो मैं अपनी मासी के साथ ही रहती हूँ, मौसा मौसी के साथ। अच्छा, तो वो लोग मतलब फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है टू। तो फिर आप इन्हें समझा क्यों नहीं रही कि मतलब आप नहीं करना चाहती हो शादी, या मत करो ऐसा कुछ? एक्चुअली मैंने उनको बहुत समझाया, बट वो लोग ये कहते हैं कि वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, तुझे खुश रखेगा, तुझे कमी नहीं होगी कोई चीज़ की। बट मुझे जहाँ तक लगता है उन लोगों ने मतलब बोला नहीं चाहिए अपने ऐसे मासी के बारे में, बट मुझे ऐसा लगता है उन लोगों ने पैसे ले रखे हैं मुझे, उससे शादी करनी पड़े इसलिए। पैसे ले रखे उन्होंने? तो उस बंदे की ये शादी पहली है? नहीं, दूसरी। He's divorced. डिवोर्सी है वो? हाँ जी, और अभी भी उसका है, उसकी वाइफ से देखो अच्छा बातचीत होती है उसकी। हाँ, देखो डिवोर्सी है वो तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन अगर उस बंदे ने पैसे दिए हैं शादी करने के लिए तुमसे, तो वो बहुत गलत चीज़ है। तो जैसे कि यार तुम्हें पता है कि हम लोग प्रैंक वगैरह बनाते हैं, बट हम लोग लॉयल्टी भी करते हैं लोगों के ऊपर। तो हम लोगों ने आज भी कैमरा लगा रखा है, हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं। तो अगर आपको कोई दिक्कत ना हो, अगर आपको थोड़ा सा भी दिक्कत है, वो लोग आपको लगता है वो यूट्यूब वगैरह देखते होंगे या? नहीं, आई डोंट थिंक सो। वो तो फ़ोन भी सिर्फ बात करने के लिए उठाते होंगे आई थिंक सो। बहुत बैकवर्ड टाइप है, बहुत। अच्छा, अरे गांव वाले यार अच्छे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छे होते हैं, बट यार वो दिल का कनेक्शन भी तो होना चाहिए ना कुछ। तो अच्छा, तो देखो हम आपकर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत होती है या आपको ऐसा लगता है, तो हम आपकी आइडेंटिटी हाइड कर देंगे, आपका फेस भी ब्लर कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बता दो, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आई डोंट नो। ओके, तो आप नहीं करना चाहती शादी मतलब? नहीं। तो बहुत प्रॉब्लम वाली बात है यार। हम ट्राई करेंगे, मैं भी नहीं कहती अपनी तरफ से कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो आपके पास है उसका नंबर वगैरह है? हाँ जी, विकास का। विकास नाम है? हाँ जी। तो बात छिड़ी है भी या कोई और आगे तक बात पहुंची है? हमारी सगाई हो चुकी है। तब आपने मना नहीं किया बिल्कुल भी? उस टाइम थोड़ा फैमिली प्रेशर ऐसा था कि मतलब मुझे बिन बताए वो लोग लेकर गए, तो उन लोगों ने पहले से सब कुछ अरेंज कर रखा था। तो आपको नहीं पता तो बस मुझे बैठना था, तो जब मैंने देखा तो आई वॉज इन शॉक। मेरे तो पैरों तले से ज़मीन खिसक गई कि यार ये बंदा है कौन। होता है यार कई बार। तो आप बताओ, हम कोशिश करते हैं जो भी हमसे बन पाता है। 8285868 6 8586 2। कहाँ रहता है? बोलो तो। हेलो, कौन आप? विकास बात कर रहे हैं क्या? विकास बात कर रहा हूँ, आप कौन? हाँ हाँ, आपको बता दूंगी मैं कौन बोल रही हूँ, कैसी भी क्या जल्दी है। तो आप वही विकास हो ना जो मॉडल टाउन में रहते हैं? हाँ, मॉडल टाउन में रहता हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस विकास जी। थैंक यू, लेकिन किस लिए? अरे अभी अभी आपकी सगाई हुई है। हाँ, है। अच्छा, इसीलिए मैं आपको बधाई दे रही थी। थैंक यू वेरी मच। बट मेरे को ना आपको एक बात बतानी थी। बताइए क्या बात बतानी है। मैं ये कह रही थी ना, मुझे नहीं लगता आपकी शादी करनी चाहिए। ऐसा क्यों? आपकी शादी उर्वशी से हो रही है ना? हाँ, उर्वशी से हो रही है। ओहो, लड़की तो बढ़िया है।
पर आपके लिए नहीं। मैं कह रही हूँ लड़की बढ़िया है पर आपके लिए नहीं। मेरे लिए लड़की बढ़िया नहीं है। नहीं, ऐसा क्यों? सर आप जिस चीज के लिए आप बिहार आना चाहते हो वो आपको दे ही नहीं सकती। लिपटा लिपटी रोमांस के जमाने में उर्वशी जो है वाईफाई का रोमांस कर रही है। वाईफाई करवाए? अरे भैया भैया, उर्वशी लेस्बियन है और मेरी गर्लफ्रेंड है और वो शादी नहीं कर सकती किसी लड़के से। उसका लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है, दूर दूर तक भी, मोहल्ले मोहल्ले तक भी। क्या मतलब तुम्हारा? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? अब ये क्या कोई वो है कि मंत्र पढ़कर उसको किसी ने लेस्बियन बनाया? भैया उसका नहीं इंटरेस्ट नहीं है, उसे लॉन्डियों में इंटरेस्ट है और ऊपर से वो मेरी गर्लफ्रेंड है 2 साल से। हमारा सीरियस वाला मैटर हो चुका है, हमने सोचा हम शादी करेंगे, 2 बच्चे गोद लेंगे, हम हमारे तो होंगे नहीं ना। मुझे तो ऐसा कुछ ही ना कुछ नहीं बताया, उसके मौसा मौसी ने कुछ नहीं बताया, मैंने पूरे पैसे दिए उसे। अच्छा सर एक मिनट होल्ड रखना, मैंने इसे म्यूट पे रखा है। इसने तुम्हें कह रहा है ये इसने पैसे दिए तुम्हें, ये खुद बोल रहा है। तुमने शक था ना, तुम्हें शक लग रहा था बट एक मिनट अभी पूछते कितने। हेलो हेलो, हाँ तो सर आपने कितने पैसे दिए आप बता सकते हो मुझे? मैं आपको वो पे कर दूंगी ना अपनी उर्वशी डार्लिंग के लिए। मैंने 15 लाख रुपए दिए पूरे पूरे। सर आपने एक लड़की से शादी करने के लिए 15 लाख रुपए दिए? तो मुझे शादी करनी थी और उसके घर वाले जो मौसा मौसी थे बिल्कुल शादी कराने के लिए तैयार थे। सर आपका तो कट गया 15 लाख का, वो तो लेस्बियन है, वो तो आपसे शादी कर ही नहीं सकती। ऐसे कट गया, इसने काट दिया, फोन काट दिया, पता नहीं कट गया यार, दोबारा करूँ क्या मैं? अब मैं क्या बोलूँ इसको? विकास का उठाओ उठाओ स्पीकर पे। हेलो उर्वशी। हाँ जी, क्या सुनने में आ रहा है मुझे? क्या हो गया? मुझे जो सुनने में आ रहा है तुम लेस्बियन हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, क्या हुआ? मुझे पता चला कि तुम लेस्बियन हो, झूठ में तुम्हें अच्छे से बताओ। किसने बोला आपको ऐसा? मुझे कहीं से पता चला, आप बताओ। नहीं मैं नहीं हूँ। तो मतलब जिसने मुझे बताया वो झूठ बोल रही है? आप पहले बताओ आपको किसने बोला? आपकी गर्लफ्रेंड का फोन आया था मेरे पास। सच बताओ? हाँ। तो आप लोगों ने झूठ क्यों बोला मेरे से? मैं आपसे कैसे कुछ कहती, मुझे मौका नहीं मिला कुछ बोलने का आपको। क्या मतलब मौका नहीं मिला? मासी ने मुझे बोला गुरुद्वारे जा रहे हैं मत्था टेकने, वहाँ पे मैं गई, आपसे मेरी सगाई कर दी उन लोगों ने। मुझे क्या पता गुरुद्वारे मत्था टेकने नहीं सगाई करने लेके जा रहे हैं। तो मतलब तुम्हारे मौसा मौसी ने मेरे साथ फ्रॉड किया? क्या फ्रॉड? उन्होंने मेरे से पैसे लिए तुम्हारी शादी कराने के लिए। बट ये बात मुझे नहीं पता थी ना, आप लोग मुझे कुछ बताई। ठीक है, अब आज से के बाद ना तुमसे मिलना है ना बात करनी है, कोई बात नहीं मैं देख लूंगा, बताता हूँ इसके बारे में। मतलब काट दिया यार, ये घर पे बात करेगा? घर पे बात करेगा ना, रुको चुप रहना बिल्कुल। हेलो हेलो सर। हाँ क्या सर, आपने उर्वशी को फोन किया था? क्या किया था सर? आप ऐसा मत करो प्लीज, आप उससे शादी कर लो। मुझे नहीं करनी है शादी किसी से, ना उससे करनी है ना उसके घर वाले से किसी से बात करनी है मुझे। सर आपने 15 लाख 20 लाख इतने पैसे लगाए हैं सर, आप शादी कर लो सर। आप एक काम करो सर, मैं उससे अलग हो जाती हूँ, मैं उससे बात भी नहीं करूँगी, आप रह लो उर्वशी के साथ। बाहर में जाए पैसे नहीं जी, मैं लेस्बियन से शादी करूँगा। तो सर अब क्या हो गया, आप तो इतना उससे शादी करना चाहते थे डिवोर्सी होते हुए भी। नहीं करना मुझे शादी, लेस्बियन से शादी नहीं करूंगा मैं। तो सर अब आपको तुझे याद आ रहा है, सर तो जाए भाड़ में, अब तुझे याद आ रहा है कि तुझे उससे शादी नहीं करनी, जब तूने झूठ बोल के उसके खिलाफ उसकी मर्जी के खिलाफ जाके ये होते हुए कि तू डिवोर्सी है, फिर भी तू अपनी बीवी के भी टच में है, और उसके बाद तूने ये बात भी नहीं बताई कि तू डिवोर्सी है, और ना ये, और ये भी नहीं पता उर्वशी को कि तूने 15-20 लाख रुपए दिए उसके मौसा मौसी से, तू शादी कर रहा था कि उसको खरीद रहा था? हाँ तो उसके घर वाले भी तो राजी हुए इस चीज के लिए, मैं अपने मर्जी से थोड़ी क्यों। घर वाले हुए इन द सेंस वो राजी नहीं हुई, तूने उससे पूछा उसकी मर्जी के बारे में? उसकी मर्जी क्या जानना, जब उसके घर वाले राजी हैं तो।
वो कोई खिलौना नहीं है जो उसकी मर्जी नहीं जानना। मैंने पूरे पैसे दिए थे शादी करने के लिए। तो सुन मेरी बात, राजी हुए थे, पैसे दिए, खरीदा है क्या उसको? बहुत, और शर्म नहीं आ रही है? बहुत चौड़ में तू बोल रहा है कि तूने पैसे दिए उससे शादी करने के लिए। पैसे दे के बहुत महान काम किया तूने। अरे अब ना उससे शादी करनी है ना, उसके घर वाले से बात करनी है, और 15 लाख रुपए के बाढ़ में रोको तुम। क्या बदतमीज आदमी है, मेरे को ही सुना के कह रहा फोन रखो तुम। इसने तुम्हारे लिए पैसे दिए, मेरे लिए पैसे दिए, इसको गाली देती हूँ। रुको, छोड़ो यार, इसको इसको कुछ कहना, पता है इसको कुछ कहना, ऐसे इंसान को अपना मुंह गंदा करने वाली बात होती है। और मुझे नहीं लगता कि तुमसे शादी करने वाला है। और मेरी बात सुनो, मुझे पता है तुम्हारे मन में भी क्या चल रहा होगा। तुम्हारे घर पे जाके अगर तुम्हें थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है तुम्हारी फैमिली की तरफ से, तो मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। तुम मुझे कॉल करना, मैं देखती हूँ तुम्हारी शादी कैसे होगी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ। ये कोई, गाइज ये कोई बहुत ही महान काम नहीं है कि आप डिवोर्सी हो, कोई बात नहीं है, डिवोर्सी को भी हक है कि वो अपनी लाइफ जिए, बट एटलीस्ट उसे बताना चाहिए कि वो डिवोर्सी है। और आप किसी से शादी करने के लिए, आप हमसे डबल उम्र के हो और शादी करने के लिए पैसे दे रहे हो, ये बात तो मुझे कहीं से भी जायज़ लग नहीं रही। तो आपको लगता है कि ये बंदा जो कर रहा है सही है? मुझे नहीं लगता है कि आप शादी वादी करेगा, और आई डोंट थिंक सो, करे चाहे ना करे। अगर आपको लगता है प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कॉल करना, ठीक है? बाकी आप अपने लिए लीगल एक्शन लो यार। आपको लगता है आप मौसी हैं, मौसा हैं, चाहे जो भी है यार, शादी नहीं है, एक तरीके से का सौदा हुआ जो आपको बेचने के बराबर ही है, बोलना नहीं चाहिए। तो आप प्लीज़ एक्शन लो इस चीज़ के खिलाफ। आप चुपचाप बैठ के सगाई कर रहे हो, देखो यार कहीं ना कहीं आप अपने आप को कमज़ोर कर रहे हो। कर सकते हैं, बट आई एम श्योर अब ऐसा कुछ होगा। सो गाइज, आपने देखा कि हमने इस बंदे से बात करी। आई होप आपको जैसा भी आपको लगे, आप प्लीज़ कमेंट करके अपना फीडबैक देना, और अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर ज़रूर करना, ताकि से अगर ऐसा किसी के साथ भी हो रहा है तो वो इंसान अपने लिए लीगल एक्शन ले, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। इक्वालिटी है तो दोनों के लिए होनी चाहिए। और आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज़ बताना हमें।